हेलो यूट्यूब, इट्स मी योगेश। आज मैं जो हमारे व्यूवर्स है उनके रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा वीडियो का क्राउड है वो इंडियन है। तो बेसिकली बचपन से मैं ऑडियो फाइल रहा हूँ। बेस हैवी म्यूज़िक मुझे पसंद है, स्पेशली द हाई एंड इक्विपमेंट्स, उसका स्टडी करना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा जो भी नॉलेज है उसकी हेल्प आपको हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें मेरे सिस्टम के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे बेस हैवी म्यूज़िक पसंद है, जो कि कार ऑडियो में आपने देखा रहेगा। मैंने बहुत सारे सेटअप्स चेंज किए आज तक। वैसा ही कुछ सेटअप मुझे घर के लिए चाहिए था कि मुझे ऐसा फील आए ऐसे लो फ्रिक्वेंसी बेस मैं घर में सुन सकूं, जो कि हम जनरली कार में सुनते हैं विद द हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं स्टार्ट टू एंड आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा 50 इंच LED टेलीविज़न है, LG का है। उसको मैंने स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने के लिए, ये बेसिकली स्मार्ट टीवी नहीं है, इसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मैजिकसी का एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स लगाया हुआ है, जिससे मैं यूट्यूब के सब ट्रैक्स और सब एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली यूट्यूब ही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैंने लिया है। उसकी कनेक्टिविटी मैंने मेरे सोनी के 5.1 होम थिएटर को दी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्मार्ट टीवी ले लो, जिससे जिस और अच्छी सी एक म्यूज़िक सिस्टम ले लो जिसको HDMI इनपुट रहेगा, और दोनों की कनेक्टिविटी आप HDMI से कर दो तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर आप 5.1 ले रहे हो तो ऐसा इंस्टॉलेशन मत करना जो आपके सराउंड से वो पीछे यहाँ पर प्लेस होने चाहिए। मैंने इस केस में ऐसा इंस्टॉलेशन किया है बिकॉज मैं 2.1 का ही आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। मैं बेसिकली म्यूज़िक के लिए ही ये सिस्टम यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे सराउंड इससे मिलेगा ही नहीं, मुझे 2 चैनल आउटपुट ही इससे मिलेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि आप अगर LPCM चैनल का यूज़ करोगे तो आपको रियर सराउंड में से रियर से ही आवाज़ आएगी। लेकिन इस केस में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं 2 चैनल आउटपुट दे रहा हूँ तो आपको सारे स्पीकर्स में से इक्विवेलेंट आवाज़ ही आएगी, बस राइट लेफ्ट का डिफरेंशिएशन होगा। कमिंग नेक्स्ट, तो ये स्टॉक सबवूफर है। मैंने ये स्टॉक सबवूफर के जो केबल रहती है उसको छीन कर एक सप्लीमेंट्री पैरेलल केबल मैंने कंसील की है, जो कि मेरे बेस के सिस्टम के लिए जाती है। ये सब मेरा बेस का सेटअप है। मैंने ये ऐड ऑन किया है क्योंकि स्टॉक बेस कितनी भी अच्छी सिस्टम मैंने सुनी है, वो बोस ऑडियो की रहे या फिर पोल्क ऑडियो की रहे, 4 से 5 लाख की सिस्टम मैंने डेमो की है जाके, फिर भी मुझे उसमें जो इसमें मज़ा आया वो उसमें कभी आ नहीं सकता। मैं फ्रैंकली आपको बता देता हूँ, अगर आप बेस के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप मत करो, ब्रांड नेम के नीचे आप मत जाओ। अगर आप आर्टिस्ट हो या फिर आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड पसंद है, सराउंड साउंड पसंद है, वोकल्स आपको क्रिस्टल क्लियर चाहिए और सब कुछ जो ओरिजिनलिटी रहती है गाने की या फिर थिएटर्स के मूवीज़ की स्पेशली, तो फिर आप सराउंड सिस्टम ले लो, उसमें आप इन्वेस्ट करो। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स है उसमें, पोल्क ऑडियो आता है, बोस आता है और बहुत सारे ब्रांड्स है, JBL है, JBL हार्मन है, डेनॉन है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका पर्पज़ ही अलग है, आपको खाली लाउड और क्लीन लोज चाहिए गाड़ी की तरह जो हम गाड़ी में इंजॉय करते हैं, तो फिर आप कुछ खुद का दिमाग यूज़ करो और वैल्यू फॉर मनी सिस्टम बनाओ। इस सिस्टम के लिए भी मैंने 1 लाख से ऊपर खर्चा किया है, लेकिन मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इससे, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, मैंने सब ऊपर में से पैरेलली आउट लिया है, जो कि नीचे आप देख सकते हो मैंने उसको कन्वर्टर डाला है। बेसिकली वो हाई टू लो का कन्वर्टर है। अभी अंधेरे में मैं दिखाने नहीं सकता, जस्ट अ मिनट। तो वो हाई टू लो कन्वर्टर जो है वो कुछ खास नहीं, खाली कन्वर्जन करता है आपकी जो आप कार ऑडियो में जो यूज़ करते हैं वही वाला। मैंने उसकी अलग से वीडियो भी एक डाली हुई है,
जस्ट अ मिनट, मैं टॉर्च सर्च करता हूँ सो दैट आई कैन शो यू बेटर वे। तो यहाँ पर आप देख लो, ये हाई टू लो कन्वर्टर हमने यूज किया है। इसमें क्या होता है, आप ये डायरेक्टली सिग्नल जो देते हैं वो इसको RCA में कन्वर्ट करता है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और जो ये सब सबवूफर से आया हुआ सिग्नल है वो RCA में कन्वर्ट हो गया, RCA से वो एम्पलीफायर को गया। TRS इनपुट रहता है एम्पलीफायर को, इस हेवी एम्पलीफायर को डायरेक्ट RCA इनपुट नहीं मिलेगा आपको। जो DJ वाला एम्पलीफायर है वो बेसिकली DJ लोगों का एम्पलीफायर है, जो वो उनके हेवी साउंड सिस्टम रहती है बेस वगैरह उसके लिए यूज़ करते हैं 21 इंच सबवूफर के लिए। लेकिन मैंने ये घर पे यूज़ किया है, घर पे ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मैं हेवी बेस जब चलाता हूँ तो मेरे पूरी लाइट्स सब डिम होने स्टार्ट हो जाती है। जब भी मैं सिस्टम यूज़ करने का चाहता हूँ तो मुझे सब माइक्रोवेव एयर कंडीशनर सब बंद करना पड़ता है और फिर मैं सिस्टम फुल थ्रॉटल पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको इतनी हेवी सिस्टम रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपके पर्पज़ के हिसाब से 1000 वाट RMS शुड बी इनफ फॉर योर एप्लीकेशन। आप देख सकते हो मेरा हॉल बड़ा है इसलिए, और मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी है, मुझे हेवी सिस्टम पसंद है इसलिए मैंने AC सिस्टम डाली है। कमिंग टू द पॉइंट, ये 2000 वाट RMS टोटल सब ऑफर है। ये पायनियर चैम्पियन प्रो सीरीज है, ये नॉर्मल है सीरीज नहीं, ये SPL कॉम्पिटिशन ग्रेड सीरीज है सब ऑफर्स की। ये कार ऑडियो सब ऑफर है 12 इंच के, 2 1000 वाट RMS ईच। तो इसको मैंने पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन करके 4 ओम का लोड पे मैंने इसको कन्वर्ट किया है, 4 ओम पे मैंने इसको, 4 ओम्स पे मैंने इसको ब्रिज पे लगाया हुआ है। ब्रिज पे आप देख सकते हो मैं खाली सिंगल चैनल पे इसको ट्यून कर सकता हूँ। ब्रिज मतलब इसका, ये 2 चैनल एम्पलीफायर है, इसके 2 चैनल का मैं पावर एक साथ यूज़ कर रहा हूँ मेरे सब ऑफर के लिए, ठीक है। तो ये NX ऑडियो प्रोटॉन जो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है और बहुत हेवी एम्पलीफायर्स बनाता है DJ लोगों के लिए, जो रोड शोज़ या फिर ऑर्केस्ट्रा रहते हैं या फिर कुछ इवेंट्स रहते हैं क्लब्स में वगैरह, ये एम्पलीफायर बहुत चलता है। NX ऑडियो प्रोटॉन RX 4000, आप 4000 की जगह 2000 3000 भी ले सकते हो, 4000 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा पहले से मानना है कि एम्पलीफायर ज़्यादा RMS वेटेज का रहेगा तो सबवूफर को क्लीन पावर जाती है। मैं उसमें से वो 3200 वाट RMS का कैपेबिलिटी है उसका, CEA सर्टिफाइड, तो उसमें से मैं खाली 2000 वाट RMS इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 2000 वाट RMS फीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था ओवरऑल सिस्टम, आई होप आप समझ गए हो। मैंने TV से आउटपुट दिया मेरे म्यूज़िक सिस्टम को ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी 2 चैनल रहती है इसलिए मैंने ऐसा 2 चैनल का सेटअप किया है, ठीक है। मतलब ये पूरे सराउंड्स लेफ्ट एंड राइट एक साथ बजेंगे और इसका सेंटर स्पीकर नीचे है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हुआ वोकल्स के लिए और हाइज़ के लिए, मिड हाइज़ के लिए। इसका जो स्टॉक सबवूफर है इसको मैंने -6 dB पे रखा है, ये अगर मैं निकल भी तो भी चलेगा क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि मेरा ये एड ऑन सबवूफर से वो बहुत ही तगड़े है। और किसी भी हाई एंड होम ऑडियो सिस्टम को आप लेकर आओ, इससे ज़्यादा आप बेस कभी भी नहीं एक्सपीरियंस करोगे ज़िंदगी में। अगर कोई मेरे जैसा कस्टम मेड सेटअप बनाता है तो मैंने बता दिया आपको। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एग्जिस्टिंग स्टॉक सिस्टम में कम पैसे में ज़्यादा बेस प्रोड्यूस करना चाहते हो तो फिर आप सबसे सस्ता काम जो कर सकते हो, एक DJ एम्पलीफायर ले लो। ये एम्पलीफायर मुझे 35,000 का गिरा था, आप 20,000 के आसपास अच्छा एम्पलीफायर ले सकते हो मार्केट में जाके। फिर उसको आप 600 वाट RMS तक उसकी पावर मिलेगी आपको, 600 से 1000 तक डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स। तो आप उससे वो सेटअप बनवा सकते हो, 200 बूफर आप डाल दो, नहीं तो एक बेस ट्यूब, उससे आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ मेरे सिस्टम का। We'll be right back.
ये जो बेस है ये आप किसी भी सिस्टम में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सब कुछ रैपन कर देता है। मिड हाइज के अगर आप बात करोगे तो ये बहुत सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं बेस हैवी सुनना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने गेन बहुत कम सेट किया है। था छोटा सा डेमो, दैट्स ऑल। इसके एम्पलीफायर्स लेवल 2 भी ऑन हो गए, ये ऑटोमेटिकली खुद को कूल कर देता है। तो भाई लोग बहुत ही तगड़ा सेटअप है ये। इससे पहले मेरे पास और एक डिजिटल डिज़ाइन का सबवूफर था जो आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में, उससे तो मेरी खिड़कियाँ, दीवारें, फर्नीचर सब कुछ हिल रहा था और रैटल इतना ज़्यादा था कि मैं म्यूज़िक भी एंजॉय कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने वो थोड़ा कम करके ये सेटअप डिफाइन किया है। आप ऐसा मत सोचना कि इसमें खाली म्यूज़िक पर मज़ा आता है, जो मूवीज़ के ट्रेलर्स वगैरह रहते हैं उसमें जो लो फ्रिक्वेंसी मतलब जो गन का साउंड है या फिर जो एक्सप्लोजन का साउंड है, वो साउंड जो लो फ्रिक्वेंसी बेस है वो आपको बहुत थंडरस बेस मिलेगा उसमें, जो आप थिएटर में एक्सपीरियंस करते हो उस टाइप का बेस आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिनका सेटअप बहुत ज़्यादा है मतलब एटलीस्ट मोर देन 1 लाख और उनको प्राइमरी कंसर्न है वैल्यू फॉर मनी सेटअप चाहिए और बेस हेवी सिस्टम चाहिए, तो वो मेरे जैसा सेटअप कस्टम मेड लगा सकते हैं। इसको थोड़ा आपको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और ये फुल प्रूवन सिस्टम नहीं है होम ऑडियो के लिए। अगर आपका हॉल अच्छा खासा बड़ा है तभी ये वर्कआउट हो जाएगी, अगर आपका हॉल छोटा है, क्योंकि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ दे सकते हो, मैं आपको मेरा बेडरूम दिखा देता हूँ। मैंने मेरे बेडरूम में सेटअप इंस्टॉल किया था जो कि पूरा लॉफ्ट कवर अप कर रहा था, मैंने बेडरूम का पूरा सेटअप मैंने हिला दिया, निकाल दिया और फिर उसमें से कुछ मैंने शिफ्ट कर दिया हॉल में, और हॉल में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है हॉल का, वॉल्यूमेट्रिक एरिया अच्छा रहना चाहिए, फिर आपको रैटलिंग कम मिलेगा, बेस अच्छा बूमिंग मिलेगा घर के अंदर और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। छोटी रूम में आप हैवी सेटअप डालोगे तो फिर आपको साउंड प्रूफिंग और वो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो कार में हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं केबिन गेन, वो केबिन गेन आपको कम मिलेगा छोटी रूम में। सो ओवरऑल दिस इज़ द रिव्यू। ऐसा सेटअप मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनका एग्जिस्टिंग सेटअप अच्छा खासा है, उनके पास अच्छा टेलीविज़न है, अच्छी म्यूज़िक सिस्टम है, खाली बेस की कमतरता आपको लग रही है, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा एम्पलीफायर और कुछ कार के सबवूफर्स ऐड कर दो, आपको अच्छा खासा आउटपुट लो फ्रिक्वेंसी बेस मिल जाएगा। और अगर आपको हार्ड बेस पसंद है जो डीजे टाइप के साउंड्स रहते हैं, फास्ट बीट्स रहते हैं, जो आप स्पेशली
हार्ड सॉन्ग्स, रोड शो के सॉन्ग्स जो रहते हैं वो आप सुनते हो, तो फिर कार ऑडियो को सब ऑफर मत लेना। जो स्पेशली लोकल मेड जो रहते हैं, प्रो ऑडियो के सब ऑफर जो रहते हैं, जो हम डीजे लोग यूज़ करते हैं, वो लेना। उसमें आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, उसको आपको पावर भी कम लगेगी, आउटपुट भी हार्ड आउटपुट मिलेगा, हार्ड बेस जो रहता है वो मिलेगा आपको। लो बेस के लिए, सॉफ्ट बेस के लिए मैं कार ऑडियो के सब रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपको साउंड क्वालिटी चाहिए क्रिस्टल क्लियर, तो फिर आप हाई एंड हार्मन ऑडियो, डेनॉन, पोल्क ऑडियो ऐसा ब्रांड ले सकते हो। दैट्स ऑल। और भी अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। आपके दोस्तों को गाइडेंस के लिए ये वीडियो शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। लिव लाउड।